और सुना सब बढ़िया? नहीं क्यों भैया? अबे बढ़िया तेरा, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ लाइव स्ट्रीम। अरे आऊंगा यार, मन ने तो क्या हुआ, आऊंगा जरूर। और अगर तुझे लग रहा है ना तेरा बढ़िया नहीं है, तेरा बहुत बढ़िया, बता तो क्यों? क्योंकि तेरा नाम कमरान अकमल नहीं है। कल तक मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर कर रहा था, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे निकला, सारे लोग सेलिब्रेट करें पाकिस्तान के। इंडिया में तो कुछ हो गया ट्विटर पे, हाँ हैप्पी बर्थडे बेटा। शर्म नाम की चीज है, कभी तो कुछ नया ले आओ यार, हर साल एक ही चीज लगाते हो। मतलब बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो आर्मी मैन है वो मिठाइयां शेयर कर रहे हैं और कामरान अकमल इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, सही तो है उनका, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसने ये पोस्ट किया है, प्रॉब्लम ये है स्पेलिंग। पढ़ो तो सही, मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर करके गए हैं। मुझे अब तुम पक्का बोलो ये जानबूझ के करता साला, मीम मटेरियल दो लोगों को, लोगों की लाइफ में ना बोरियत बहुत है। चलो मैं टॉपिक ही दे देता हूँ। अब इतनी घटी इंग्लिश कैसे हो सकती है, इंडिपेंडेंस का डे नहीं खा दे तो? नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेन में शेर रहता है। तो आई थिंक पाकिस्तान में कोई शेर नहीं बचा, कल आएगा डेन, क्योंकि कल होगा सी इंडिपेंडेंस डे। जब मैंने ये जोक सोचा ना तभी मुझे पता था बहुत टट्टी जोक है, बट मैं कब मारूंगा क्योंकि टॉपिक है नहीं ज्यादा। अबे मैं सोचा था कुछ और करने की, बट फिर समझ में नहीं आया क्या करूं, तो कोई सजेशन बता देना। क्यों है ना मत बोलना, बहुत टट्टी लगता मुझे। एक तो तुमसे पूछने का भी मन नहीं करता मेरा, कुछ भी करते हो यार। मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है ताकि तुम लोग मेरे को न्यूज दे सको यूट्यूबर्स के बारे में। बंदे क्या ही भेज रहे हैं, भैया बिहार में फ्लड्स आ गया बात कर लो। अरे मेरे बात करने से सॉल्व हो जाएगी क्या प्रॉब्लम? वो तो दुनिया बता ही रही होगी, नहीं बता रही तो क्या ही कर लूंगा मैं, पानी भर बाल्टी में निकाल दूं वहां से, नहीं निकाल सकता ना मैं। और बिहार के बारे में बात करें तो एक और न्यूज थी बिहार से कि भैया एक ना एक एक्ट्रेस है त्रिशा कर्मधु, उसकी एमएस लीक होगी। मैं क्या हरामी लोग हो गए तुम लोग, किसी लड़की की एमएस लीक हो गई तो मुझे बता रहे हो कि मैं रिपोर्ट करूं? शर्म नाम की चीज है, अच्छा इंसान बन जाओ सालो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। और ये बात करने के बाद मैं खुद गया था देखने के लिए, वो अलग बात है, हराम ही हूँ एक नंबर का। और एक मिनट, मेरी गलती नहीं है, मैं एक्चुअली सर्च किया वेरीफाई करने के लिए क्योंकि उसने कोई लिंक नहीं दी थी, और दूसरा मुझे पता नहीं है एक्ट्रेस है भी कि नहीं है। तो मैं गूगल गया, मैं सर्च किया तो कंफर्म हो गया हाँ लीक हुई है। बट मुझे ये समझ में नहीं आया ये जो औरत है, ये जो एक्ट्रेस है, ये चाहती क्या? अगर किसी की एमएस लीक होती है तो वो चाहती कि बात ना करें, डिनाई करें कि नहीं मैं नहीं हूं, कोई और है। इस बंदी ने ट्वीट किया हुआ है, मैं तुझे बंद करवाना है या वायरल करवाना है, बैन करना है या प्रमोट करना है? अरे फिल्म नहीं है ये, तेरी प्राइवेट वीडियोस है, रहन देना भाई, क्यों बात कर रही है उस बारे में? सीधा रिक्वेस्ट मार, वो डिलीट मार देंगे। नहीं नहीं मुझे पता था कि बहुत हरामी लोग हैं, बट इतने हरामी लोग हैं? अबे 18 साल की बच्ची तक को पता होता है कि ये सब नहीं करना होता, मेरे जैसे बूढ़े को पता है ये सब नहीं करना होता, तो क्यों ही करना है ये सब? साला ये जब से फोन आया ना आज की जनरेशन तो बर्बाद है ही, कि हर टाइम फोन में लगी रहती है। अबे कुछ मोमेंट रियल लाइफ में भी एंजॉय किए जा सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी ने नहीं फोटो ले लो, क्यों उस मोमेंट को एंजॉय करना जो मिला है? तू बात कर उससे प्यार से, वो मेमोरी बना। नहीं नहीं मेमोरी मैं फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे लाइक्स लेने के लिए। अरे सुधर जाओ भाई साहब, सुधर जाओ। और नहीं सुधरना ना तो मेरी कंगना से दूर रहो। हाँ आज फाइनली न्यूज आ गई कंगना रनौत की। अरे लोग पीछे पड़ गए कंगना के, अरे अपनी कंगना यार, अपनी मेरी तुम्हारी सबकी कंगना, कंगना तेरा नहीं। तुम्हें मालूम है कितनी सभ्य औरत है, संस्कारी औरत है, कितना पाठ सिखाया लोगों को संस्कार के बारे में, कल्चर के बारे में। तो अभी क्या हुआ, उसने एक फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे और लोग भावुक हो गए, अरे रे रे रे, खुद के इमेज इतनी अबला नारी की बना रखी है, सभ्य नारी की बना रखी है, ये कैसी फोटो है? ओ हरामी हो तू, अपना काम करना, जाके पैसे वैसे कमा, घर चला। वो जो पहन के पहनने का तेरे को क्या दिक्कत है? बट बात तो सही है क्योंकि तुम ही तो कह रही थी कुछ महीने पहले कि हाँ ये देखो ये एक्ट्रेस फटे वट्टे कपड़े पहनती रहती है, अब फिर तुम ये पोस्ट कर रही हो। मतलब मोदी जी बोल देंगे इस पे तो यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट कंगना ऐसी नहीं बनी, वो जैसे मैं ज्ञानी ऐ नहीं बना ना, वैसे कंगना ऐ नहीं बनी है। उसने बोला कंगना तेरा नहीं, मतलब ये नहीं बोला, उसने इंस्टाग्राम पे दूसरी फोटो शेयर करी कि हाँ हरामी, दरअसल सुन हरामी ये जो मेरे को बोल रहे ना, मैं अनसंस्कारी लग रही हूँ, अब मुझे सनातन धर्म आ गया, इधर दो थप्पड़ मार के सुधार दूं, तुम बेवकूफ हो। तो उसने पता नहीं किसकी फोटो डाली हुई, अब इतना नहीं पता मुझे, इतना ज्ञानी नहीं बना मैं। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जिसको जो पहनना पहने हैं, इट्स हर चॉइस। नेहा धूपिया ने इतने प्यार से समझाया था, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, तो रहने दो ना। अभी हर बंदे का हक है अपना ओपिनियन रखने का, अब किसी के बारे में मैं कुछ भी बोलूं फिर मैं भी जाके पीठ पीछे वही करूं, कौन ही देख रहा है? और ये तो इतिहास है ह्यूमन काइंड का कि दूसरे को अक्यूज करो किसी चीज के लिए और तुम खुद भी रियल लाइफ में वो करते हो, तो लोग उसके पीछे भाग जाते हैं, तुम पे कोई ध्यान नहीं देता, बस इन्होंने थोड़ा ज्यादा अमाउंट में कर दिया, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। गलत बात है, कंगना है अपनी अपनी कंगना। हाँ मैं जानबूझ के ऐड किया जा रहा हूँ इसे क्योंकि बड़े दिनों बाद न्यूज में आई है ना मेरी, अबे मिस करता हूँ यार मैं। भाई पहुंचाओ, शादी वादी की बात करते हैं कंगना से। भाई और शादी कर ली, बड़ा कुत्ता बना के मारेगी मुझे।
शादी छोड़ो, जिस दिन मिल गया उस दिन कुत्ता बना के मारेगी मुझे। बाकी कल का क्या प्लान है, पतंग उड़ा रहा कोई है? एक टाइम था यार 15 अगस्त पर एक्साइटमेंट होती थी, यहाँ पतंग उड़ाएंगे पतंग, सुबह 8 बजे, 8 बजे भी नहीं, 6:30 बजे 7 बजे पहुंच जाते थे। अरे आईपो क्या साले, ये गुजरात में बोलते काई पोचे, यहाँ क्या बोलते थे, अबे दिल्ली में क्या बोलते थे, मैं भूल गया, इतने साल हो गए यार, बूढ़े हो गए, बट अभी मेरे को दिखता नहीं इतनी एक्साइटमेंट कहीं पे भी, यहाँ तो मेरे को लग नहीं रहा कोई उड़ाते वक्त है। कल रिपोर्ट करेंगे कोलकाता से लाइव। बाकी गुवाहाटी, गुवाहाटी में अच्छी तैयारी चल रही है, मतलब उनका जो रेलवे है कुछ वो पूरा ट्राई कलर में कर दिया, लाइट लगा दी। अबे कोलकाता वो सीखो, यहाँ पे भाई साहब कुछ अच्छा हो या ना हो, बट रोड पे जो नाइट में लाइटें होती है ना वो देखना बड़ा मजा आता है, शूट करने में बड़ा मजा आता है मुझे। और एक्चुअली अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया फिर से, बट ना मैं बाहर जाऊँगा ना किसी दिन वो दिखाऊंगा तुम्हें, एक्चुअली देखा ही होगा तुमने, क्या बकवास कर रहा हूँ। आओ एमए बंटाई की बात करते हैं। तो तुम्हें मालूम है एमए बंटाई और जस मानक है ना, हाँ उसका ही गाना आने वाला था। देखो जज मत करो, तुम्हें पसंद है मेरे को नहीं पसंद, हम सुनते ही नहीं गाना, हम सुनना ही बंद कर चुके हैं, जब से मैंने बचपन का प्यार सुना ना मेरे कान से खून बह गया, मैंने बंद कर दिया, सुनना ही नहीं मुझे। अरे मेरा तो इंसानियत से भरोसा उड़ गया उस गाने के बाद। असली सिंगर हिट हुआ नहीं, असली लिरिसिस्ट हिट हुआ नहीं, कौन हिट हुआ, बच्चा जिसका कोई लेने देने भी नहीं गाने से, बट जस्ट मानक और एमए बंटाई का गाना आ गया। और मैं क्यों ही है ये कोलैबोरेशन, क्यों ही है, कोई बता सकता मुझे? मतलब जस्ट मानक लड़कीबाजी के बारे में बात कर रहा है, रोमांटिक बात कर रहा है कि हाँ मैं बैड मुंडा हूँ और मेरे से लोग डरते हैं, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। एमए बंटाई ध्यान ही नहीं देना, कॉन्सेप्ट क्या गाने का, चार लाइनें बोल दूंगा रोमांटिक वाली बातें, फिर मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर स्वैग है, देखो मैंने इतना बड़ा कोलैब कर दिया है। अभी तक फॉरेनर के साथ कर रहा था, कोई सेंस बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी मैं पंजाबी लोगों के साथ कर रहा हूँ, इसमें भी सेंस नहीं बनाएंगे। अरे इतनी अच्छी बीट बना रखी है, इतना अच्छा जस्ट मानक परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा रिलेटेबल रैप ही कर देते, नहीं नहीं पैसा बना रहे हैं, स्वैग दिखा रहे हैं, अरे अलग होता है टॉपिक। मालूम है ना, नहीं अभी तक पता ही नहीं चला, इतने साल से बात कर रहे तेरे बारे में, मुझे पता ही नहीं कौन है भाई आप, ओ कौन आप, हाँ बैड मुंडा सब बोले मुझे रैप गुंडा, परेशान सब खुद बना ब्रांड मुंडा। क्या लेना देना इसका गाने से, पकोड़े तू बाल काट पहले अपने, पहले थोड़ा सही भी लिखने लग गया था, अब क्या है वापस, अब टोनी कक्कड़ लाइन पे आ गया, तू वापस वही कर रहा है, सही तो कर रहा था अपना, अरे कोलैब कर रहा मना नहीं कर रहा यार, बट कुछ तो सेंस वाली बात कर। अलग पहचान है सब सोचे कौन बंदा, बहुत हार्ड नहीं छोटे बहुत कैंट मुंड। तो इतने सालों से क्यों रो रहे थे बे, बहुत हार्ड जाड़ नहीं बहुत हार्ड हूं मैं, अब क्या हो गया है, हिपोक्रेसी की सीमा दिख रही है तुम्हारी, हद होती है यार, भड़काओ यार भड़कूंगा मैं, ये क्या बकवास करिए। अबे इससे अच्छा तो मचाएंगे 3 में ले लेते यार, जस मानक को उसकी इज्जत बन जाती थोड़ी सी। अबे ये सुनने से अच्छा मैं यशराज का नहीं सुन लूंगा ना जो आया है, आई लव टू सफर, जस्ट इनका तो मैं नहीं मानूंगा, यशराज नहीं अपना, अरे चिंदी चोड़नी अपना भाई मुखाते जो भी है, बहुत म्यूजिशियन है, उसने नया गाना डाल दिया है आई लव टू सफर, अगर नहीं सुना तो थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ, कॉपीराइट नहीं आता ना मेरे ख्याल से इसके गाने में, आता है क्या पता चल जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, आई लव टू सफर, आई लव टू सफर, तो कहां से लाते हो इतनी क्लिप, हमें तो नहीं मिलती, हम तो आज भी न्यूज पे अटके हुए हैं, अब ऐसी क्लिप मिले हम भी मज ले भाई, म्यूजिक बना के आ जाता तब पता चलता अच्छा ये क्लिप भी है, और अलग ही ट्विस्ट लेके आता है यार, मतलब इसके मेन सॉन्ग्स ओरिजिनल सॉन्ग से बेटर होते हैं, मतलब जो आजकल बॉलीवुड में चल रहा है, इवन पंजाब इंडस्ट्री में जो चल रहा है, साले सिंगर लोग नहीं जाते क्या यशराज के पास, उनके लिए भी काम करवा दो, उनसे ही काम करा लो यशराज से, कम से कम म्यूजिक तो सुनने में मजा आएगा, मिक्स मास्टर भी अच्छा ही कर लेता भाई मेरा, नहीं हमें तो ब्रांड बनना है, कैंट बनना है, हार्ड नहीं बनना कैंट बनना है, हल्का सा नॉर्थ में गए हार्ड नहीं कैंट। अबे पर ऐसा नहीं, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ उस लड़की का, हाँ ठीक है अपना अपना स्टाइल होता है, बस पॉजिटिव वे में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग है, मतलब अभी बैंगलोर, मुझे नहीं मालूम बैंगलोर में तुम लोग कहाँ से हो, अगर तुम बैंगलोर से कोई देखता भी है कि नहीं देखता, बट अभी मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे ना वो जो नहीं होते जो प्लास्टिक उठाते हैं कूड़ा उठाते हैं रोड पे, तो उसकी वीडियो थी, किसी बंदी ने शूट की थी, और वो जो सामान उठाने वाला कूड़ा उठाने वाली है ना क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है वो, और उस क्लिप में दिखा पता चलता है कि वो 7 साल जापान में काम करती थी और फिर जो भी हुआ और फिर अब वो हालत है, तो उससे वो हालत बोलती है कि हाँ क्या आप अकेले हो, वो अपने ब्लाउज से निकाल के भगवान की फोटो, तो मैं लगता हूँ अकेले, मैं बढ़िया ये कॉन्फिडेंस ही है, हमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम बोलते हैं आई लव टू सफर, ये दुख का खत्म नहीं होता, वो देखो वो कह रही मैं कभी अकेले नहीं रह सकती, मैं यही मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। और फिर मैं थोड़ा ढूंढ रहा था तो पता चला कि ये बंदी मॉडलिंग कर चुकी है, मतलब लिटरली मॉडल थी है। और आज ये हालत है, मतलब अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, हैं पता किसी को, और मैं तो अच्छा भी नहीं मेरे साथ बुरा क्यों होता है, क्या इतना बुरा हूं मैं ऊपर वाले। बाकी क्या बात करें, बाकी अब रैंडम बात करनी है खींच सके, बोर हो रहे हो तुम, मैं तो हो रहा हूं। कोई नहीं 11 बजे आ जाना तब बातें करेंगे, कोई स्पैम नहीं करेगा,
साल कितनी बार मना करना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ काउंटिंग नहीं सुननी मुझे तुमसे, नहीं वन टू थ्री। कल मैंने डाला था ये अपने, बट गलती से मैंने डिलीट मार दिया, काउंटिंग नहीं चाहिए, टेबल्स चाहिए मुझे। अरे वो रखने वाला टेबल नहीं, पहाड़े चाहिए। अगर तुम्हें आज कमेंट करना है ना नंबर्स, नंबर करने तो 69 का टेबल करो, 69 टू जा आई डोंट नो। साले कम से कम सोच के तो करोगे कुछ, 1 2 3 4 69, अब 69 का टेबल सुनाओ सालो। अच्छा खासा कमेंट आता था, नो वन लिटली नो वन द मोमेंट यू रियलाइज। अभी साला कमेंट पढ़ने जाओ नंबर ही पढ़ने को मिल रहे हैं। अबे पढ़ लिया था स्कूल में मैंने यार, और मेरे को डाउट नहीं तुम्हें आता है, मान लिया मैंने आता है तुम्हें, बस बंद करो यार इसे। कुछ और नया मीम बता दो, मैं बता दूं हैं, बचपन का प्यार ही कर लेते हैं फिर 69 के साथ। कौन भूला आज क्या कमेंट करने वाले हैं? आज का कमेंट है अनमन का टोला, करो कमेंट 69 का टेबल या अनमन का टोला, जाओ करो। बाकी फन न्यूज में हम बताएंगे किसकी बात, फन न्यूज नहीं है अल्पेश यादव की न्यूज है, मैं क्या ही करूँ इस बंदे का मैं। अभी पहले ट्वीट किया भाई ने कि कुणाल कामरा का शो गुड़गांव में रखवाओ, पैसे मुझसे ले लो बट गुड़गांव में रखाओ, जितने में तुम बुलाओगे खुद ही चले जाओ ना, अगर इतना ही प्यार आ रखा है तुम्हें। और ये भी गंदा, फिर ध्रुव राठी को पोक करने लग गए, ये कोई ध्रुव राठी को एंटी नेशनल नहीं बोल सकता, ध्रुव राठी को एंटी नेशनल बोलना इज नॉट फनी, ठीक है कोई बोल भी नहीं रहता आपके अलावा, क्या ही चाहते हो। बाकी खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक फॉरेन की न्यूज है, बंदा गया बैंक लूटने के लिए फॉरेन में। मैं कहा इंडिया में समझ में, यूपी का जब मैंने ये केस मतलब न्यूज पढ़ा ना, मेरे को लगा यूपी का न्यूज है, बट बाहर का निकला कि एक बंदा बैंक लूटने गया और उसने नोट सरकाया कैशियर पे, और कैशियर को समझ में नहीं आया हुआ क्या है, फिर बंदा कुछ नहीं किया वो निकल गया। फिर बंदा जब जो कैशियर था वो कंफ्यूज हुआ, तो उसने पुलिस वुलिस बुला ली, तब पता चला है कि हाँ ये लिखा हुआ है कि पैसे मांग रहा है, है? बैंक लूटने आया था ये हरामी। फिर सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि फरवरी में इसी तरीके से दूसरा बैंक लूटा हुआ उसने। मैं कहा भाई साहब अगर बैंक लूटने जा रहे हो ना तो पहले तो हैंड राइटिंग सुधार लो, और हैंड राइटिंग इस मौके पे इस पे लिख के क्यों जा रहा, प्रिंट आउट करवा लेना यार। अच्छा प्रिंट आउट से पकड़ में आ सकता ना, हाँ तो न्यूज़पेपर कट करा ले यार, मैं आइडिया क्यों दे रहा हूँ तो बैंक लूटने का, चलो भाई कोई नहीं लूटेगा। बाकी इसी नोट पे गारंटी बोलता ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम 11 से 12, सो अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बातें करेंगे, कुछ नहीं करना सिर्फ बातें करेंगे। हाँ पहाड़े सुनूंगा मैं तुमसे, पहाड़े सुनवाऊंगा, मैं बता रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा, लाइक कर दे इज्जत पूर्वक, नहीं करेगा पहाड़ में जाता हूँ मैंने गिम्मे से थोड़ी देर में, तब तक नहीं पीस आउट।